मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी 22 सीटों से प्रत्याशी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इंदौर की सांवेर विधानसभा इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। इस सीट पर महिला प्रत्याशी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। यहां से शीला धुलधोए ने कांग्रेस पार्टी से अपने टिकट की दावेदारी की है। शीला धुलधोए विगत 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में निरंतर कार्यरत है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव भी रही है। साथ ही साथ वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग में उपाध्यक्ष भी रही है। इसके अलावा इंदौर संभाग की प्रभारी एवं जावरा मंदसौर जिले की विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई है। साथ ही वे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोजमुक्त विश्वविद्यालय एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सदस्य भी रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका परिवार विगत 3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहा है। उनके ससुर जी स्वर्गीय गंगाराम धुलधोए इंदौर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं एवं उनके नाना जी कांग्रेस से ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं। श्रीमती धुलधोए ने कहा है कि सांवेर विधानसभा के विकास के लिए पढ़े लिखे और योग्य प्रत्याशी की जरूरत है एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा भी उन्हें आश्वस्त किया गया है। और आज भी 2020 में सांवेर का चुनाव होने जा रहा है और मैं चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, मैंने तीनों क्षेत्रों में बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वाइस चेयरमैन भी रही हूँ प्रदेश में और मुझे जावरा और वहाँ का मंदसौर जिले का विधानसभा प्रभारी बनाया गया था और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव भी रही हूँ। इसके अलावा मैं मेरी 3 यूनिवर्सिटी में मैं कार्यपरिषद सदस्य रही हूँ, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भोपाल और भोजमुक्त विश्वविद्यालय। मैंने इन तीनों यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गुणवत्ता को के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया है। मेरी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस पार्टी को समर्पित रही हैं। मेरे गंगाराम जी धुलधोए जो मेरे ससुर जी थे वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे और 1947 में अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने कारावास भी गए थे। मेरे नाना जी चौधरी लोटन राम जी वो भी जिला जालौन उरे के सांसद रहे हैं और मेरे मामा जी केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं जो खान इस्पात मंत्री, लोह इस्पात मंत्री रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मैं जब है ना उपचुनाव जब था और मैं वहाँ की है ना प्रभारी थी ये अपने मंदसौर और है ना जावरा की, तब उस वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती दिलाई और जेल भरो आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। इसके अलावा मैं वहाँ पर एक दलित समाज के लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आदरणीय बूटा सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिसमें कि सारे प्रदेश की सारी दलित समाज के लोगों को वहाँ पर हमने जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान करवाया। और मैं यही कहती हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि मैं वहाँ की दावेदारी कर रही हूँ। जिस तरह से बात की जाए सांवेर उपचुनाव की, वहाँ पर देखा जा रहा है कि कई दावेदार मौजूद है, तो उस तरह में आप अपनी दावेदारी को किस तरह से सुनिश्चित करते हैं? नहीं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि मेरा संगठन में किया हुआ कार्य मैं नहीं, मेरा कार्य बोलता है जी। अभी देखा जाए तो प्रेमचंद गुड्डू जैसे सीनियर नेता वहाँ पर मौजूद है, तो उनके सामने आप तो किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएंगे? देखिए क्या होता है कि निजी स्वार्थ के कारण अगर कोई व्यक्ति पार्टी चेंज करता है तो इसको तो मैं गलत ही मानती हूँ ना जी। उनको कम से कम है ना 5 साल पार्टी में समय देना चाहिए, विश्वसनीयता में खड़े उतरें और जो पुराने समर्थक हैं उनका साथ दें। ठीक है, देखा जाए तो जैसे उपचुनाव जो होते हैं सरकार खुद अपने आप से लड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखेंगे? एक्चुअली में बात क्या है कि जो 22 विधायक के साथ आदरणीय श्री सिंधिया जी और हमारी विकास की राह पर चलने वाली आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को उन्होंने धन बल छल कपट से गिराई है सरकार, जनता उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। और मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मैं सांवेर क्षेत्र में भारी बहुमत से विजय हासिल करूँगी।
आपकी क्या प्राथमिकता होगी सावे क्षेत्र में, और दावेदारी के लिए जनता के लिए क्या कुछ आपने रणनीति बनाई जी? मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि वहाँ पर मेरे निम्न मुद्दे रहेंगे, बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेरे वहाँ के मुद्दे रहेंगे, प्राथमिकता रहेंगी। और इसके अलावा हमारे आदरणीय कमलनाथ जी सरकार में जो योजनाएं थी, जैसे कन्या विवाह योजना, किसान ऋण माफी योजना थी, रोजगार, वृद्धा पेंशन योजनाएं थी, बहुत सारी योजनाएं थी, यदि हमारी सरकार बनती है तो फिर से वही पुनः हम सारी योजनाओं को लागू करेंगे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी वहाँ मौजूद है अपने काफ़ी बागी कार्यकर्ताओं के साथ, तो आप इस मुकाबले को कितना कड़ा मानती हैं? जी हाँ, ये तो देखिए देखिए क्या है कि मैं इस चीज़ को कड़ा मुकाबला नहीं मानती हूँ। एक्चुअली में क्या है कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत ही मान सम्मान दिया और विधायक मंत्री उनको बनाया, संसदीय सचिव भी बनाया उनको। इसके बावजूद भी वो, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और गद्दारी की उन्होंने, और वो इसमें खड़े नहीं उतरे कि 2018 में जब उनको हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, उनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे कोरोना महामारी में वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और हमारे प्रदेश की जनता को साथ दें। पर उनको तो सत्ता का लालच था और वो सारे विधायकों के साथ, माननीय श्री सिंधिया जी के साथ होके, और बेंगलोर में उन्होंने इस अस्तित्व को अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। मेरा यही कहना है कि जनता ने उनको सिर मोर बिठाया और इसके बावजूद भी उनका कहना है कि दलित, कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही झूठा है, झूठे बयान दे रहे हैं और ऐसा उनको नहीं देना चाहिए। ये जनता सब जानती है, इसका जवाब जनता ही देगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ के तुलसी सिलावट जी बीजेपी में आए, तो वो अपनी विश्वसनीयता कायम कर पाएंगे या नहीं? नहीं, ये तो नहीं होगा उनसे, इसलिए नहीं होगा कि जो इंसान इधर से और पार्टी चेंज करता है और निस्वार्थ भाव से, वो स्वार्थी भाव से जो अपनी पार्टी चेंज करता है, दूसरे पार्टी में जाता है, तो ये समझ में नहीं आता कि कार्यकर्ता है ना, असमंजस में पड़ जाते कि अब मैं क्या करूं, कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इससे इससे पार्टी की छवि भी खराब होती है और इससे उनको ये आगे भविष्य में भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैं यही दावा करती हूँ कि अगर अगर कांग्रेस पार्टी मुझे यह दावेदारी देते हैं सांवेर क्षेत्र से, तो मैं यह भारी बहुमत से इस पार्टी को उम्मीदवार जिता ले जाऊंगी।